हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय श्रोतागणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज भी आपके साथ हम बात करने वाले हैं रोज की तरह आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है दैनिक राशिफल, उसको लेकर के। लेकिन उससे पहले कि हम आपके साथ दैनिक राशिफल की चर्चा करें, आपको पंचांग के विषय में भी जानकारी देना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि ये पंचांग और दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 13 मार्च सन 2023 दिन सोमवार संवत 2079 का है। हिंदी का महीना चल रहा है चैत्र महीना, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष और तिथि होगी आज षष्ठी, नक्षत्र होगा विशाखा, योग होगा हर्षण और करण होगा गर, राशि होगी आज वृश्चिक और चंद्रमा पूरे दिन अपनी नीच राशि वृश्चिक में करेंगे संचार। राहु काल की समय अवधि इस प्रकार से रहेगी, प्रातः 8:08 से लेकर प्रातः 9:37 तक और अभिजीत मुहूर्त की शुभ समय अवधि ये है दोपहर 12:13 से लेकर दोपहर 1:01 तक। और साथियों, इसके अतिरिक्त मंगल जो है वो आज अपनी सम राशि वृषभ से निकल करके अपनी शत्रु राशि मिथुन में करेंगे प्रवेश प्रातः 5:02 पर। तो ये थी जानकारी पंचांग को लेकर के। अब होगी चर्चा आपके साथ आपके दैनिक राशिफल को लेकर, आरंभ करेंगे मेष राशि से यानी कि एरीज साइड। तो प्रिय साथियों, मेष राशि के जातकों को बताना चाहते हैं कि रुका हुआ धन कहीं से आज आपको मिलने की पूरी संभावना बन रही है और कहीं पर अगर अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप अपना मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहां से भी कुछ अच्छी रिटर्न मिलने की संभावना बन रही है। अपने कार्यों को लेकर के, ऑफिशियल कार्यों को लेकर के अगर आप कोई ट्रेवल करते हैं तो वो भी आपकी यात्रा सफल होगी। रोमांस में भी आप सफल होंगे और मन आपका पूरे दिन प्रसन्न रहेगा और स्वयं के ही प्रयासों से आप जनप्रिय होंगे, लोगों के बीच आप प्रिय होंगे, लोगों के प्रिय बनेंगे और उनसे आपको मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। रुका हुआ कार्य समय पर पूरा होने से आपके आत्मविश्वास में और वृद्धि होगी। व्यवसाय जो भी आप करते हैं आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा और नई योजनाएं फलीभूत होंगी। जो भी आपने नई योजनाएं बनाई हुई हैं वो भी एक एक करके सब सफलतापूर्वक आप उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। उपाय आप करें, मांस मदिरा का अगर आप त्याग कर देते हैं तो ये मान के चलें कि आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। शुभ रंग आपके लिए स्लेटी और शुभ अंक आपके लिए आज 8। वृषभ राशि यानी कि टॉरस साइन। साथियों, आज के दिन कुछ खर्च अधिक हो सकते हैं आपके और अचानक होंगे, जिनके कारण आपको थोड़ा टेंशन भी बन सकता है और दूसरों के साथ इसी कारण से थोड़ा बहुत वाद विवाद भी हो सकता है। लेकिन किसी भी झगड़े झंझट में अगर ना उलझे, ना अपने आप को डालें तो आपके हक में ये अच्छा रहने वाला है और अपनी जो महंगी और कीमती वस्तुएं हैं उनको बहुत संभाल करके रखिएगा और किसी प्रकार का कोई जोखिम भरा कार्य भी आज के दिन आपको नहीं करना चाहिए और जो नए संबंध आपके बने हैं या बन रहे हैं उनके प्रति भी थोड़ा सतर्क रहिएगा। भूल किसी भी कार्य में आपको नहीं करनी चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए आपके द्वारा, क्योंकि उसका विरोधी जो है आपके वो पूरा लाभ लेंगे। कार्य क्षेत्र का आपके विस्तार करेंगे आप और विस्तार के साथ साथ विकास भी होगा और आपको कोई अच्छा उपहार भी इसी वजह से मिल भी सकता है और संतान से संबंधित परेशानियां दूर होंगी। उपाय आप करें, गेहूं और गुड़ दोनों गौ को यानी गाय माता को अपने हाथों से खिलाएंगे तो आपका सेहत अच्छा होगा। शुभ रंग आपके लिए काला और शुभ अंक आपके लिए आज 3। मिथुन राशि यानी कि जेमिनी साइन। साथियों, बेरोजगारी दूर करने के प्रयास आपके जो हैं वो सफल रहेंगे आज और जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, अगर आप रोजगार में हैं या घर के भी जो वरिष्ठ जन हैं आपके, उनके से भी आपको सहायता मिलेगी, उनका सहयोग मिलेगा और उनसे एक अच्छा मार्गदर्शन भी आपको मिलेगा। और आज के दिन कुछ कहीं से अचानक धन का लाभ हो सकता है जिसकी पहले से आपको कोई अपेक्षा ना हो। यात्रा करेंगे तो सफल होगी और व्यावसायिक या निजी कार्य से सुखद यात्रा आपकी ये हो सकती है।
यात्रा तो आपकी ये कोई निजी ही हो सकती है, लेकिन सुखद रहेगी और व्यवसाय के तौर पे भी करेंगे तब भी सफल होगी। और यदि आप छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपकी पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी। बस इतना ध्यान रखिएगा कि किसी के भी साथ वाद विवाद में ना पड़े। आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी आज के दिन आपकी। उपाय आप करें, गाय को अपने हाथों से हरा साग सब्जियां खिलाएंगे तो रोजगार या व्यापार में आप उन्नति करेंगे। शुभ रंग आपके लिए लाल और शुभ अंक आपके लिए आज 3। कर्क राशि यानी कि कैंसर साइन। प्रिय साथियों, जो रुके हुए पेंडिंग कार्य हैं आपके, आज के दिन आप उनको बहुत आसानी से पूरा कर पाएंगे अगर आप चाहेंगे तो। और इसमें आपके जो सीनियर्स हैं, अगर आप रोजगार में हैं तो जो आपके सीनियर्स हैं वो आपकी मदद करेंगे। और यदि आप व्यापारी हैं या कोई दूसरा कार्य करते हैं तो दूसरे लोग भी आपकी मदद जरूर करेंगे, लेकिन अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा। और रोजगार के अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। कार्य जो भी करें बहुत सावधानी पूर्वक करें, लापरवाही के साथ ना करें, अन्यथा हानि उठानी पड़ सकती है, नुकसान हो सकता है, कोई चोट आदि लग सकती है। संतान के व्यवहार से सामाजिक प्रतिष्ठा में थोड़ी सी कमी आ सकती है, इस बात का बहुत ध्यान रखना है आपको। व्यापार में आज के दिन अगर कहीं कोई एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, कोई डील फाइनल करने जा रहे हैं, कोई टाई अप कर रहे हैं किसी के साथ, तो आज के दिन इसको टाल दीजिए। आज का दिन इन कार्यों के लिए आपके लिए उपयुक्त नहीं है। थोड़ा बहुत फाइनेंशियली भी आप टाइट रहेंगे, पैसे का थोड़ा अभाव रहेगा, फंड की कमी रहेगी। उपाय आप करें, काले चने, काले उड़द, काले कपड़े और सरसों के तेल का आप दान करें आज के दिन, स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा। शुभ रंग आपके लिए बनता है आज पीला और शुभ अंक आपके लिए आज 5। सिंह राशि यानी लियो साइन। साथियों, आज जो आप सिंह राशि के जातक हैं, धर्म और कर्म से जुड़े कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, धार्मिक कार्यों में। यात्रा करेंगे तो उसका भी आनंद लेंगे, और कहीं पर पैसा अगर आपका इन्वेस्ट हुआ है पहले या आज करेंगे तो उसके भी अच्छे नतीजे आपको मिलेंगे। बाहरी सहायता से भी काम पूरे होंगे, और जैसा हमने कहा कि धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी, परमात्मा में आस्था बढ़ेगी आपकी, कामकाज की अनुकूलता बनी रहेगी, उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा परेशानी नहीं आएगी आपको। व्यावसायिक तौर पे आपके सारे कार्य बहुत सफलतापूर्वक पूरे होंगे, उसका लाभ मिलेगा आपको। और रोमांस में अगर आप हैं तो वहां भी आप उसका भी आनंद लेंगे। आपसी संबंधों को आपको बहुत अत्यधिक महत्व देना चाहिए। पूंजी संचय की बात बनेगी। देखिए, जो आपका धन है, कहने का भाव ये है कि जो आपकी पूंजी है उससे जो है संचय की बात बनेगी, यानी कि धन का संचय आज आप प्लान अगर करेंगे ढंग से तो अच्छे ढंग से आप अपना धन का संचय यानी मनी को सेव कर पाएंगे। उपाय आप करें, काले घोड़े की नाल से बना छल्ला अगर आज पहनते हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए ये बहुत उपयुक्त उपाय रहेगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी, शुभ अंक आपके लिए आज 1। कन्या राशि यानी कि विर्गो साइन। प्रिय साथियों, आज के दिन सेहत थोड़ा प्रभावित हो सकती है, आपकी सेहत कमजोर रह सकती है या फिर कोई चोट आदि भी लग सकती है, तो इस ओर से थोड़ा सा सावधान रहें, सतर्क रहें, और जल्दबाजी करने से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। दूसरों पर विश्वास करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। कार्य में बाधा होगी, पत्नी से पूरा आश्वासन आपको मिलने वाला है, जिस चीज की भी आप उनसे उम्मीद रखेंगे, जिस कार्य की, उसमें उनकी ओर से आपको पूरा एश्योरेंस मिलेगा। स्वयं के निर्णय आपके लिए लाभप्रद रहेंगे, मानसिक संतोष और प्रसन्नता बनी रहेगी। नए विचार, योजना, ऐसी चीजों पर आप डिस्कशन करेंगे, चर्चाएं करेंगे, लेकिन आपको दूसरों को कॉपी नहीं करना है, दूसरों की मिमिक्री भी ना करें, कॉपी भी ना करें, किसी की नकल ना करें। उपाय आप करें, चांदी के चम्मच से या चांदी की थाली में भोजन करना आपके स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक लाभदायक रहेगा। शुभ रंग आपके लिए भूरा और शुभ अंक आपके लिए आज 8। तुला राशि यानी लिब्रा साइन। प्रिय साथियों, आज पूरे दिन चाहे आप घर में रहें या घर के बाहर, वातावरण बहुत ही अनुकूल रहेगा, प्रसन्नता भरा रहेगा। और अगर आप अभी विवाहित नहीं है, अविवाहित है, तो विवाह का भी कोई अच्छा प्रपोजल आपको कहीं से मिल सकता है। और व्यवसाय जो भी आपका है, कोई भी धंधा आप करते हैं, वो भी आज का दिन अच्छा रहेगा, और ये अच्छे का मतलब है कि लाभ प्राप्त होगा। कार्यों में थोड़ा बहुत विलंब जरूर हो सकता है, जिसके कारण थोड़ी बहुत चिंता आपको हो सकती है, और मानसिक तौर पे भी थोड़ा उथल पुथल
जरूर रहेगी। पारिवारिक जीवन वैसे तो देखिए संतोषप्रद दिखाई देता है। अब बात कर लेते हैं उपाय की कि देखिए श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर के आप प्रसाद चढ़ाकर गरीबों को खाने की सामग्री बांटिए, आपकी फैमिली लाइफ बेहतर होगी, अच्छी होगी। शुभ रंग ग्रे, शुभ अंक आपके लिए आज 3। वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो साइन। प्रिय साथियों, संपत्ति को लेकर के कोई बड़ा सौदा अगर आप करते हैं तो उससे अच्छा लाभ अर्जित करेंगे। उन्नति के मार्ग आपके लिए प्रशस्त और मजबूत होंगे, खुलेंगे। इन्हीं सब बातों के कारण आपका मन अत्यधिक प्रसन्न रहेगा पूरे दिन। व्यापार में थोड़ा बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और कार्य के विस्तार की योजनाएं आप बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करेंगे कि अपने कार्य को किस तरीके से डाइवर्सिफाई किया जाए। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है और जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी एजुकेशन से रिलेटेड कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने के संकेत ग्रहों की ओर से मिलते हैं। उपाय आप करें, आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं तो उसके लिए लाल रंग की मिर्च का संतुलित मात्रा में अपने भोजन में प्रयोग करना। ये नहीं है कि बहुत जरूरत से ज्यादा आप उसमें डालें, बहुत सीमित मात्रा में, जितना आप खा सकते हैं, जितना ले सकते हैं। शुभ रंग आपके लिए मेहरून और शुभ अंक आपके लिए बनता है आज 7। धनुराशि यानी सेजिटेरियस साइन। प्रिय साथियों, आज के दिन आप किसी पार्टी या पिकनिक का आनंद लेने वाले हैं। पूरा दिन आपका बहुत आनंद में निकलेगा और मनोरंजक कार्य रहेगा और जो बौद्धिक कार्य हैं वे भी आपके द्वारा अगर किए जाएंगे तो उसमें आप सफल होंगे और मन आपका पूरी तरीके से प्रफुल्लित रहेगा, प्रसन्न रहेगा, आनंदित रहेगा और धन का आगमन बना रहेगा। रोजगार में उन्नति एवं अच्छे लाभ की भी संभावना दिखाई पड़ती है। लाभदायक समाचारों की प्राप्ति कहीं ना कहीं से होगी और प्रेम संबंधों में भी आप सफल होंगे। सामाजिक एवं राजकीय ख्याति में आपकी वृद्धि होगी। व्यापार सही दिशा में आपका चलेगा, सही तरीके से चलेगा। उपाय आप करें, तोते को हरी मिर्च अपने हाथों से खिलाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो पारिवारिक जो समस्याएं हैं, कष्ट हैं, वो दूर होंगे। शुभ रंग आपके लिए आसमानी और शुभ अंक आपके लिए आज 4। मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न साइन। प्रिय साथियों, कहीं ना कहीं से कोई आज कोई ऐसा समाचार की प्राप्ति हो सकती है जिससे आपका मन थोड़ा सा दुखी हो सकता है या प्रसन्न हो सकता है। कहा यह जा सकता है कि वो समाचार आपको कहीं ना कहीं तकलीफ दे सकता है। कार्यों में मन इसी वजह से लगेगा नहीं आपका, इसी कारण से। लेकिन इसकी वजह से आप किसी के साथ कोई वाद विवाद में ना पड़ जाएं, किसी को उल्टा सीधा ना बोल दें, व्यवहार अच्छा रखें, पेशेंस रखें, विवेक से कार्य लें और थोड़ा सा मेहनत भी आज आपको अधिक करनी पड़ सकती है। हाँ, इतना जरूर है कि घर संबंधी अगर कोई समस्या का सामना करना पड़ रहा है, घर को लेके, आवास को लेके, तो वो आज हल होने के बहुत अच्छे संकेत हैं। और आलस्य को त्याग दीजिए। अगर आलस्य है शरीर में तो आलस्य ना रखें। बस इतना जरूर होगा कि सोचे हुए कार्य जो आपने सोचे हुए हैं, प्लान किए हुए हैं कि भाई ये मेरा कार्य तब तक पूरा हो पाएगा, उनमें जरूर थोड़ा अवरोध पैदा होगा और व्यावसायिक कार्यों को लेकर के थोड़ी बहुत टेंशन आपको बन सकती है और कहीं ना कहीं संतान के व्यवहार से भी थोड़ा बहुत तकलीफ आपको हो सकती है। उपाय आप करें, मीठे चावल बना करके गरीबों में बांटिए, आपकी सारी समस्याओं का निराकरण होगा और आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। शुभ रंग आपके लिए संतरी और शुभ अंक आपके लिए है आज 2। कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस साइन। आज प्रिय साथियों, आप चाहे घर में रहें या घर के बाहर जाएं, हर जगह आपकी डिमांड रहेगी, आप डिमांड में रहेंगे और कार्य जो भी हैं आपके वो आपके द्वारा पूरे होंगे समय पर और इनकम भी आपको बराबर होती रहेगी। यात्रा का भी आप लाभ लेंगे, उस यात्रा आपकी सुखद रहेगी अगर करेंगे, मन आपका प्रसन्न रहेगा। लेकिन जो आपके सहयोगी हैं, जो कलीग्स हैं, उनसे जितना सहयोग की आप आशा रखते हैं उतना सहयोग प्राप्त नहीं हो पाएगा और खर्चों में कटौती करने का आपको जरूर प्रयास करना चाहिए। अपने खर्चे कुछ आवश्यकता से अधिक हो रहे हैं। परिवार में प्रसन्नता का वातावरण आपको देखने को मिलने वाला है आज और व्यापार के कार्य से कहीं आपको दूर दराज की यात्रा भी करनी पड़ सकती है। उपाय आप करें,
सफेद कपड़ों को ज्यादा से ज्यादा पहनिए अगर आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य बेहतर हो और आपके कार्य भी आपके इच्छा अनुसार पूरे हो। शुभ रंग आपके लिए हरा और शुभ अंक आपके लिए छह। मीन राशि यानी कि पाइसिस साइन। प्रिय साथियों, आप मीन राशि के जो जातक हैं, आपको अपने कुछ पुराने फ्रेंड्स या कुछ रिलेटिव्स के साथ संबंध स्थापित हो सकते हैं, यानी कि उनसे मेल मुलाकात का मौका मिल सकता है, कोई अवसर मिल सकता है, और अगर ऐसा कोई अवसर मिलता है तो आपको चूकना नहीं चाहिए, उसका लाभ लेना चाहिए। कोई अच्छा समाचार भी आपको आज प्राप्त हो सकता है कहीं ना कहीं से, जिसके कारण आपका मन और कई गुना अधिक प्रसन्न हो सकता है। लेकिन कोई भी जोखिम भरा कार्य आज के दिन अगर आप ना करें तो ये आपके हक में अच्छा रहेगा। वैसे लाभ का दिन है आपके लिए, आज लाभ होने की पूरी संभावना है, और कार्य पद्धति में जो भी कार्य करने की जो सिस्टम है आपका, जो बनाया हुआ है, उसमें आप पूरी तरीके से उसको उसकी गोपनीयता बना के रखें और उसकी विश्वसनीयता रिलायबिलिटी भी रखें। आर्थिक अनुकूलता बनी रहेगी, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, रुका धन मिलने से भी एक तरीके से धन में बढ़ोतरी होगी आपके, और राज्य पक्ष से भी लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं, यानी कि जहां पर आप कार्यरत हैं वहां पर भी आपको अच्छा लाभ होने के संकेत। नई योजनाओं की सफलतापूर्वक आप शुरुआत कर सकते हैं। उपाय आप करें, मीठे चावल बनाएं और गरीब बच्चों में बांटें, खिलाएं उनको, यह आपकी आर्थिक स्थिति को और मजबूत और बेहतर करेगा। शुभ रंग आपके लिए आज सफेद और शुभ अंक आपके लिए बनता है आज 9। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप 12 राशियों के जो जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल, दिनांक 13 मार्च सन 2023, दिन सोमवार, संवत 2079 का। और हमने आप सभी को ये बताने के उपरांत के आज का दिन आपका किस प्रकार से व्यतीत हो सकता है, अब समय आ गया है कि आप अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देना चाहेंगे, और आप अपने सभी जो प्रिय हमारे साथी हैं, श्रोतागण हैं, उनसे भी इजाजत चाहेंगे। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।